This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायण डायरीज। इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, अलग अलग तरीकों से सिखाया, मुश्किल की घड़ी में अपनों को करीब लाया। ऐसी ही बहुत सी सीख रामचरितमानस से भी मिलती है। और कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, तो अपनी जीवन से अंधकार को दूर करने और सही राह पर चलने यानी ज्ञान के लिए खोलते हैं रामचरितमानस के पवित्र पन्ने। जय सियाराम। आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज और मैं हूं सोनल। रामचरितमानस जिंदगी का एक अलग ही चित्रण करती है और बताती है कि कैसे अंत में बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। हमारी संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति न केवल रामायण को मानती है बल्कि रामायण की सीख को जीवन में भी उतारती है। तो इस साल ने जो जो हमें सिखाया, इस साल के जाते जाते क्यों ना हम रामचरितमानस से कुछ ऐसी सीख लें और अपने आगे आने वाले जीवन को सुधारें। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर, उसे हरा कर, उसे मार कर सीता को वापस ले आए, तो इस कहानी का अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं तो ये माना जा सकता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। और इसको हम पैंडेमिक से भी कंपेयर कर सकते हैं कि बुराई क्यों ना कितनी ही शक्तिशाली हो, लेकिन अंत में अच्छाई की ही जीत होगी। कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही जो धीरे धीरे करके हमें जीवन में नजर आने लगेगा। रामायण की एक और बड़ी सीख है कि विविधता में एकता, जिसे हम कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस महाकाव्य में यानी रामचरितमानस में राजा दशरथ की तीनों रानियां और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद, इन डिफरेंसेस के बावजूद, उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है, ये हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। इस पैंडेमिक की वजह से, इस पूरे साल हम लॉकडाउन की वजह से अपनों के साथ रहे हैं और अपनों में हम कह सकते हैं कि सबका नेचर व्यवहार बहुत ही अलग तरीके का होता है, लेकिन उसमें भी एक यूनिटी होना, एक साथ मिलके बैठना, दुख में सबके साथ रहना, ये इस साल ने हमें सिखाया है और रामचरितमानस ने भी। ऐश्वर्य से बड़े रिश्ते, भाइयों का ऐसा प्यार दिखाया गया है रामचरितमानस में, जहां लालच, गुस्सा, विश्वासघात ये सब रह ही नहीं पाया। और एक ओर जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरे भाई कैकई के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। तो आपकी लाइफ में क्या चीज वैल्यू ज्यादा करती है, ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। तो भाई भरत ने राजगद्दी संभालने के बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ करने और राजकाज संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम जी का ही हक था। और भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है, जिसकी एक क्लियर पिक्चर 2020 ने हमें दिखाई कि कैसे अपने ही अपनों के काम आते हैं दुख की घड़ी में। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना कितना जरूरी है, ताकि जो नेगेटिविटीज हैं वो हम पर हावी ना हो, क्योंकि एक नेगेटिविटी की वजह से हमारा पूरा जीवन बदल सकता है, एक डिसीजन पूरा के पूरा उल्टा हो सकता है। जैसे कैकई ने, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी,
उसके लिए ही सबसे कठिन तपस्या मांगी, जो कि था 14 वर्ष का वनवास। रामचरितमानस सिखाती है सच्ची भक्ति और समर्पितता। जैसे हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया, जो कि इस जोड़ी को, इस भक्ति को हम आज दिन तक याद करते हैं। उनकी अपार लग्न और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। यहाँ पर अगर हम निस्वार्थ सेवा की बात करें तो पैंडेमिक में हमने देखा है कि इतनी मुश्किल घड़ी में भी वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेज, सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिसमैन और न जाने कितने ही लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। रामचरितमानस सिखाती है कि माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। अगर इस चीज को आप अपने जीवन में ले आते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा चेंज दिखेगा। जैसे रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना, उसके मरण का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, उस बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है कि अपनी बहन सूर्पनखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में ही खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। और सोचिए, अगर आने वाले साल में हम ये अपना लेते हैं तो हम अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। रामचरितमानस ने और 2020 ने हमें एक और चीज सिखाई है कि सबसे समान व्यवहार करो। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपनों से बड़ो और छोटो सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, जेंडर आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। इंसान के साथ साथ पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। वो कहते हैं कि सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। और ये इस पैंडेमिक ने हमें बहुत ही खूबी से बताया है कि चाहे कोई भी हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सबको समान रूप देखना चाहिए। तो अगर इन कीमती बातों में से कुछ चीजें भी अगर हम अपनी जिंदगी में उतार पाए तो हम अपने आप अपने जीवन में एक बदलाव देखेंगे, जिसे आप ह्यूमन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो 2021 में ये रेवोल्यूशन आए, इसकी कामना के साथ इस कथा को देते हैं यहाँ विराम। आप सुन रहे थे रामायण डायरीज विद सोनल। जय सिया राम। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट।